गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 में आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में फिर चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है जो बहुत आगे भी काम आने वाला एक विषय है, जिसका नाम है जीएसटी। अब ये जीएसटी क्या है, कैसे लगता है, किस मूल्य पर लगता है, कैसी विशेषता है, ये अपने को बतानी है। जीएसटी बहुत ही शानदार टॉपिक। देखो साहब, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर जो कि 1 जुलाई 2017 को मोदी सरकार ने इसको लागू किया और तमाम तरीके के सभी प्रकार के करों को एक ही कर में शामिल कर लिया, जिसको नाम दिया जीएसटी। पहले एक व्यापारी को कई प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे, उसको सेल टैक्स भी देना होता था, उसको इनकम टैक्स भी पे करना होता था, कई प्रकार के कर लगते थे, कस्टम ड्यूटी लगती थी, मतलब अनेकों प्रकार के कर लगते थे। उन सभी करों को अब समाप्त कर दिया और उसकी जगह एक ही प्रकार का कर लगाया, जिसका नाम है वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। अब ये जीएसटी लगता किस हिसाब से, वो देखो साहब। 1 जुलाई 2017 से जब ये जीएसटी लागू हुआ तो सभी प्रकार के करों को हटा करके एक नया कर लाया गया, उसको जीएसटी कहा जाता है, गुड्स सर्विस टैक्स। जी यानी गुड्स, गुड्स यानी माल, सर्विस, सर्विस यानी सेवा, और टी, टी यानी टैक्स, टैक्स यानी कर, टैक्स यानी कर। तो अब टैक्स लगता कैसे है वो बता रहा है, कि टैक्स लगता कैसे वो देखो सब। ये जीएसटी अकेला ऐसा कर है जो माल को खरीदने पर भी लगता है और माल को बेचने पर भी लगता है, माल को खरीदने पर भी लगता है और माल को बेचने पर भी लगता है जीएसटी। तो देखो, यदि माल को क्रय किया है तो खरीदने वाले पक्षकार को जीएसटी देना पड़ेगा। किसी पक्षकार ने, क्रेता ने यदि वस्तु को क्रय किया है तो खरीदने वाले व्यक्ति को जीएसटी देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दुकानदार है, उस दुकानदार के पास में यदि कोई ग्राहक आया है, उसको यदि माल बेचेगा तो बेचने के दौरान उसे जीएसटी भी वसूलेगा, उसे जीएसटी भी वसूलेगा। तो अगर आपने कोई माल खरीदा, किसी ने भी, मान लीजिए मैंने कोई एक टीवी खरीदा, मान लीजिए मैंने टीवी खरीदा और जो टीवी खरीदा उसमें व्यापारी जीएसटी अलग से जोड़ करके कुल मूल्य हो जाएगा, बोले साहब जीएसटी से आपका कुल मूल्य इतना बढ़ गया और आपको इतने रुपए मैंने तो खरीद लिया। अब मैं खरीदू कहा, मेरे को तो जीएसटी का पैसा व्यापारी को देना पड़ेगा, व्यापारी को देना पड़ेगा, ठीक साहब। चलो, एक बात समझ में आती है कि माल को जब खरीदा जाता है तो जीएसटी वसूला जाता है ग्राहकों से, वसूला जाता है ग्राहकों से। ये तो माल खरीद, व्यापारी माल खरीद करके लाया तो जीएसटी दे के आया था व्यापारी ने जब माल खरीदा। आप तो व्यापारी बोल रहे, एक उदाहरण ले लेते हैं व्यापारी का। व्यापारी ने माल को खरीद लिया और खरीद करके जीएसटी भी दिया है और लेगा, जैसी बात है, कोई दुराय बड़ी बात नहीं है। अब खरीद करके अब वो व्यापारी
बेचना चाहता है और जिस मूल्य पर बेचेगा उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। जिस मूल्य पर बेचेगा उसको क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य। और आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य पर जीएसटी जरूर लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यापारी ने माल को खरीदा तो जीएसटी दिया और माल को जब बेचा तो जीएसटी ले लिया। जीएसटी ले लिया किसे? ग्राहकों से, जिसको बेचा था उससे। तो इसका ये क्या खेल है? माल खरीदा था तो जीएसटी दे के आ गई, माल विक्रय किया तो जीएसटी ले लिया, तो दे भी आया ले भी लिया, क्या फर्क पड़ा? क्या टैक्स बना? बना, बिल्कुल बना, क्योंकि माल को खरीदने और बेचने की क्वांटिटी का अंतर आ जाता है ना, वहां पर जीएसटी की उत्पत्ति होती है, जीएसटी का टैक्स बचता है। तो आपने जीएसटी दे दिया, माल को खरीदने के दौरान आपने जीएसटी दिया और यहां पर आपने जीएसटी लिया है। जो जीएसटी आपने दिया उसको कहा जाता है आंतरिक जीएसटी। क्या कहा जाता है? आंतरिक जीएसटी। और आपने जो लिया है उसको कहा जाता है बाह्य जीएसटी, बाह्य जीएसटी। तो माल को खरीदने के दौरान जो जीएसटी दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? आंतरिक जीएसटी। और विक्रय मूल्य पर जो जीएसटी आपने लिया उसको क्या कहा जाता है? बाह्य जीएसटी। अब जो व्यापारी जो जीएसटी का टैक्स चुकाता है या जीएसटी की जो फाइल रिटर्न करता है या जीएसटी का पैसा जो सरकार के खजाने में जमा कराता है, उसका पैसा कैसे पता करता है कि जीएसटी का पैसा इतने रुपए बन गया? जीएसटी का पैसा इतने रुपए बन गया तो जीएसटी का पैसा ज्ञात करने के लिए, जीएसटी का दायित्व उत्पन्न करने के लिए कि जीएसटी आपको कितना चुकाना है, जितना आपने जीएसटी लिया था बाह्य जीएसटी उसमें से आपने कितना जीएसटी दे दिया वो इसमें से घटा दो आंतरिक जीएसटी में से। आपका अंतर का जो पैसा आएगा वो जीएसटी का पैसा आपको सरकार के खजाने में जमा कराना पड़ेगा। सीरियस बात है, वो पैसा आपको सरकार के खजाने में क्या करना पड़ेगा? जमा कराना पड़ेगा। वो कहलाता है आपका जीएसटी, वो कहलाता है आपका जीएसटी। अब देखो साहब, जीएसटी जब माल को खरीदे आप जीएसटी लेकर के आ गए, माल बेचा जीएसटी आपने ले लिया, अब जो जीएसटी आपका जो दायित्व बना बाह्य जीएसटी में से आपने आंतरिक जीएसटी घटाया तो पता चल गया कि आपको जीएसटी कितना चुकाना है सरकार के खजाने में। इसका एक उदाहरण समझते हैं और देखो, मान लीजिए कि एक फ्रिज था, वो फ्रिज था 20,000 रुपए का, 12% जीएसटी जोड़ा जाता है। जीएसटी के बाद उस फ्रिज का मूल्य बताइए, जीएसटी के बाद उस फ्रिज का आपको मूल्य बताइए। अच्छा, फ्रिज का आपका क्रय मूल्य अपने पास में आ गया बोले 20,000 रुपये, 20,000 आप जोड़ा गया जीएसटी और वो भी एट द रेट ऑफ 12%। तो 20,000 का 12% जब निकाला तो जीएसटी की राशि निकल कर गई 20,000 × 12 = 100, 2 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो 12 × 24। अब 2400 रुपये तो जीएसटी के लग गए, बाकी वस्तु कितने की थी? 20,000 की। तो उस फ्रिज का आप कुल कितना मूल्य देकर के आओगे?
क्रय मूल्य में जीएसटी तो देना ही देना पड़ेगा, और वो पहले लगेगा जीएसटी, तो जीएसटी पहले देना पड़ेगा, चाहे आपका क्रय मूल्य का पैसा चाहे बाद में देना पड़ जाए, पहले जीएसटी का पैसा देना पड़ेगा। ठीक, 20,000 रुपये की लागत की तो फ्री थी, और प्लस 2400 रुपये का आपने जीएसटी दिया, 2400 रुपये का आपने जीएसटी दिया, तो वास्तव में जीएसटी कितने रुपये का दे दिया है, वास्तव में कुल मूल्य उसको कितना दोगे आप, 22,400 रुपये। तो साहब 22,400 रुपये तो आपको जीएसटी सहित उस वस्तु का आपको पैसा देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से आपको जीएसटी लगता है, और इसी प्रकार से अगर मान लो कोई विक्रय मूल्य का मामला हो तो विक्रय मूल्य में भी जीएसटी इसी प्रकार से लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई मूल्य जीएसटी के बाद का दे रखा हो और कई मूल्य आपको जीएसटी से पहले का दे रखा हो, ये हो सकता है। जीएसटी के बाद का यदि पैसा दे रखा है तो पहले का पैसा निकाल लो, और यदि पहले का दे रखा है तो जीएसटी जोड़ करके बाद का बता दो, सीधी सी बात है, है? तो आप जीएसटी के सवाल करें और देखिए जीएसटी कैसे लगी से लगता है। धन्यवाद।